अस्सलामु अलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, वेक फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी दुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोए, अंत मिटीदा मिट्टी होए। जिस घर सारी उम्र गुजारी, एक रात रखन लई भारी, सारे आखन एक दूजे नू छेती करो तैयारी। दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, इतना बेसमत न चल कि लौट के घर जाना है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन्स, टुडे माई व्लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज हाईली इंटरेस्टिंग, हाईली वीपेबल, हाईली सॉरोफुल, इन शॉर्ट इट हैज़ अ डीप थिंकिंग एंड हार्ड टचेबल स्टोरी। लेडीज एंड जेंटलमैन्स, द टॉपिक ऑफ टूडे माई व्लॉग इज अ साइलेंट वर्ल्ड, वेयर इज नो नेम, नो फेम्स, नो बॉस, नो सर, नो चौधरीज, नो जट, नो राणा, कुछ भी नहीं। देर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। Everybody lies in an equal row. तो ladies and gentlemen, ये एक हकीकत है कि आदमी का जिस्म है क्या, जिस पे शुदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, ये इमारत टूट के फिर खाक में मिल जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन्स, नो डाउट्स, वंस अ टाइम्स यहाँ बहुत सारे लोग हैं, दे हैव अ लग्जरियस लाइफस्टाइल, दे ईट रेगुलरली टेस्टी फूड्स ऑफ मैकडोनल्ड्स एंड KFC, वंस दे ईट मीट एंड स्वीट डिशेज रेगुलरली। फ्रेंड, ये जो मिट्टी है ना, सारा खेल इसी का है, इंसान पैदा इसी का होता है, पैदा होते हुए इंसान मिट्टी का बना है तो हंसता है, और जब इंसान जाने लगता है तो वो रोता है। इसीलिए ये कहा गया ना कि वेक फरीदा मिट्टी खुली, इसे कहते हैं कब्र खोद दी गई है। वेक फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी धुली, हम ऊपर ना एक मुट्ठी पकड़ के मिट्टी की कब्र पे डालते हैं, फिर कहते हैं मिट्टी हसे मिट्टी रोए, अंत मिटीदा मिट्टी होए। कि हम मिट्टी के बने थे, पैदा हुए, हंसते हैं और जब जाते हैं तो फिर रोते हैं, यानी लोग हम पे रोते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अजीज़ो अकारब, हमारे माँ बाप, रिलेटिव्स, वो हंसते हैं, दे फील हैप्पी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, तो आज इनकी कंडीशन आपके सामने है। जिन कब्रों में ये पड़े हैं, कभी इन्होंने ये सोचा ही नहीं था। दुनिया के ऊपर रहते हुए इंसान के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि बड़ा बंगला होगा, बहुत बड़ा घर बनाएगा, अच्छी कॉलोनी में रहेगा, उसने डिफेंस में रहना है, उसने बैरिया टाउन में रहना है, उसका लाइफ स्टाइल इतना कम्फर्टेबल होगा। तो कभी ये सोचा है कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसका असल घर ही आगे है। ये दुनिया तो महज कुरान मजीद में है कि ये खेल तमाशा है, और कुरान मजीद में ये भी है कि वमल आखिरत खैर उलाका मिनल उला, कि जो आखरत की ज़िंदगी है वो पहले वाली ज़िंदगी से कई गुना बेहतर है। लेकिन ये सोच किसी को नहीं है। इंसान जब दुनिया पे होता है तो उसे दुनिया की पड़ी होती है, दुनिया के लालच में वो सब कुछ कर जाता है, वो तकब्बर में आता है, वो गुरूर में आता है, वो मुतकब्बर हो जाता है, वो मसावात का दामन छोड़ देता है, वो भाईचारे का दामन छोड़ देता है, वो दूसरों की कदर नहीं करता। होना तो ये चाहिए कि उसे दूसरों की कदर करनी चाहिए, कि ये जो दुनिया है ना, इसमें जब इंसान रहता है तो वो अमाल अपने साथ लेके जाता है। अब ये जो लोग यहाँ पे पड़े हैं ना, यहाँ दुनिया का कोई ऐसा आर्किटेक्चर नहीं है जो इन कब्र के अंदर कब्रों में इनको वेंटिलेशन दे, इनको रोशनी का इनके लिए बंदोबस्त करे,
तो जो वेंटिलेशन और रोशनी है ना, वो इंसान के अपने अमाल नामे हैं, उसकी नेकियां हैं। वो जिंदा रहते हुए दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करता है, दूसरों के साथ कैसे डील करता है, उसका अखलाक कैसा है, उसकी अखुवत, उसका भाईचारा, वो मसावात का हामी है कि नहीं। तो इंसान को ना दुनिया के ऊपर रहते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं उन पर अमल पैरा होना चाहिए। कुरान मजीद में भी है कि वमिम्मा रज़क़नाकुम युन्फिकून, जो हमें आपको हमने जो रिज्क दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करो। कहाँ खर्च करो? जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो बहुत पुअर हैं, हु आर अनएबल टू अफोर्ड इवन दाल एंड ब्रेड ट्वाइस आर थ्राइस अ डे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, तो एक वन ऑफ द ग्रेट मैसेज है इस व्लॉग में, वो मैसेज ये है कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो जब वो दूसरे इंसान के लिए कुछ करेगा, लिव फॉर अदर पे अमल पैरा होगा, उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस होगा, तो ये बहुत बड़ी नेकियां हैं जो आगे काम आएंगी। वो हकीकत है ना, कहते हैं कि यूँ ही है इबादत, यूँ ही है दीनो इमां, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। फिर कहते हैं कि फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौकीर घटती है, मैं मस्जूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दें। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, बहुत सारी जो कब्रें हैं वो कच्ची हैं। क्या होता है, हर साल बाद अजीज़ो अकारब रिश्तेदार आते हैं, वो भी 30-20% आते हैं। तो इसको ना मट्टी और गारे को और उसमें तूड़ी मिक्स करके ना ऊपर एक लेयर डाल देते हैं, इसको कहते हैं पेशाब। पेशाब कहते हैं पानी मट्टी को आपस में जब मिक्स करके कब्र को ऊपर से एक लेयर दी जाती है तो इसको कहते हैं पेशाब। वो कहते हैं ना कि वो आई मेरी कब्र पे पेशाब कर गई। पेशाब होता है कि उसको ऊपर से मट्टी और गारे से दोबारा एक लेयर दे के चली गई। तो बाद के जो लोग हैं वो आपके लिए यूँ ही कुछ कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान के जो अमाल नामे हैं वही यहाँ काम आएंगे। तो एंड पे मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि इंसान को दुनिया पर रहते हुए इस चीज़ पर अमल पैरा होना होगा कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, चार दिनों का मेला दुनिया, चार दिनों का मेला दुनिया, आखिर खाक दी ढेरी। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, उम्मीद करता हूँ ये एक बड़ा इमोशनल्स, वीपेबल्स, हार्ट टचिंग व्लॉग था। इसको पसंद कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना, अपने अजीज़ो अकारब, बच्चों का ख्याल रखिएगा। आई प्रे फॉर यू एंड योर फैमिलीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।